धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में किसानों द्वारा धान कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को खेत में आग लगाने का सिलसिला थामे नहीं थम रहा। किसानों की धींगा मस्ती से प्रदेश में इन दिनों फोग और स्मॉग यानी पर्यावरण प्रदूषण का माहौल बना हुआ है। जिला कृषि विभाग ने पराली जलाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए अब तक 58 किसानों के फार्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की है। इसके साथ ही 58 और किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज करने की तैयारी है। इनमें से 39 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को कागज सौंप दिए हैं। बाकी किसानों पर केस दर्ज कराने के लिए विभाग कागज तैयार कर रहा है। जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक करमचंद ने बताया कि सैटेलाइट से आई आगजनी की घटनाओं में चिन्हित किए गए सभी किसानों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। वहीं उपायुक्त राजेश जोगपाल ने भी कहा कि खेतों में पराली जलाने के केस में संलिप्तता पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही सहन नहीं की जाएगी। अब तक जिला कुरुक्षेत्र में सैटेलाइट से आई हुई आगजनी की घटनाओं में से 58 किसानों पर 1,45,500 रुपए जुर्माना लगाया जा चुका है। सैटेलाइट के माध्यम से सीधी निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई किसान अपने खेतों में पराली में आग लगाता है तो तुरंत इसकी सूचना सैटेलाइट के माध्यम से अधिकारियों के पास पहुंच जाती है, जिस पर अधिकारी खेतों में पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं। नियुक्त किए गए अधिकारियों को कार्रवाई के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि पर्यावरण दूषित होने से बच सके, किसानों की भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट न हो, मित्र कीटों को नुकसान न पहुंचे, वहीं राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचाव हो सके, भविष्य में बच्चों में आमजन के स्वास्थ्य पर प्रभाव न पहुंचे, इसके लिए NGT ने पराली में आग न लगाने के बारे में आदेश भी जारी किए हुए हैं। ऐसे में कोई भी किसान पराली में आगजनी की सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी दे सकता है ताकि मामले में त्वरित कार्रवाई की जा सके। देखिए, पूरी एक जिला व्यापक कार्य योजना बनाकर ही हमने जिले में पराली प्रबंधन का कार्य पिछले सालों की तरह इस साल भी हम कर रहे हैं और उसमें किसानों को IC एक्टिविटी के माध्यम से मशीनें उपलब्ध कराकर उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं और 99% किसान इस बात को समझ चुके हैं। अब वो पराली बिल्कुल भी नहीं जला रहे, फिर भी जाने अनजाने में, या टीनेंट फार्मर की मैं बात करूं, जितने किसानों ने जलाई है तो उसमें मेजोरिटी टीनेंट फार्मर्स की है कि वो इस पराली को किसी न कारणवश से जला रहे हैं। और जितने भी मामले अब तक आए हैं वो 89, उसमें से हमें 57 मिले हैं अभी तक। तो 57 में 1,42,500 हमने फाइन भी लगा दिया और इसके साथ साथ किसानों को हम बता रहे हैं 7,000 पराली प्रबंधन के लिए हमने मशीनें किसानों के लिए रखी हुई हैं और वो पूरी यूटिलाइज हैं। सिर्फ वेटिंग पीरियड जो ऐप हमारी फार्म कृषि अंतर उसके माध्यम से 2 या 3 दिन का है, तो किसानों से अनुरोध है कि 2-3 दिन 4 दिन इंतज़ार करें, क्योंकि जो पराली है इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, यदि बेल जल्दी बनाते हैं तो बिल्कुल लूज हो जाती है, उठाने में उसमें दिक्कत होती है और आगे जहाँ पराली बेचते हैं वो भी मॉइस्चर का इशू खड़ा करते हैं, उनके रेट्स भी डाउन आते हैं। दूसरी बात, कोई भी किसान उसको अगर और कोई अन्य इम्प्लीमेंट चाहिए तो हमारे विभाग से सीधा संपर्क कर सकते हैं, हम उसकी सहायता कर रहे हैं। और पराली न जलाने बारे हम 1,000 रुपया प्रति एकड़, चाहे वो इंसिटू मैनेजमेंट करे कि पराली को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से जैसे सुपर सीडर, जीरो टिलेज, रोटावेटर, यदि जमीन के अंदर मिलाता है उसको 1,000 रुपया प्रति एकड़ मुहैया करा रहे हैं और जो बाहर निकाल रहा है उसको भी 1,000 रुपया प्रति एकड़ मुहैया करा रहे हैं। 3,20,000 एकड़ में इस समय धान की खेती हो रही है और उसमें से मात्र जो पराली जड़ी है तो अभी 3-4 दिन मैंने कैलकुलेट कराया था, कहीं 1 कनाल, कहीं 2 कनाल, कहीं 1 मरला, कहीं पूरा एकड़। जिला कुरुक्षेत्र में मात्र 23 एकड़ कैलकुलेट हुआ कि पराली जड़ी थी 2-3 दिन पहले, मैंने चेक करा, ये नाम मात्र है, नगण्य है और किसान इसको समझ चुके हैं अब नहीं जड़ाते क्योंकि समझ रहे हैं कि ये पराली नहीं खुशहाली है। इसके साथ साथ हम गौशालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, यदि कोई गौशाला पराली खरीद के गौशाला में ले जाना चाहती है तो हम 30 एकड़ की पराली यदि वो जमा करती है वहाँ तो 15,000 रुपये उस गौशाला को भी हम एक सहायता मुहैया करा रहे हैं, बशर्ते कि सारे किसान गौशालाएँ हमारे पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा दें। तो ये सहायता हम इन सारी चीज़ों पर दे रहे हैं। अब की बार भी हमने सुपर सीडर, जिसने भी जो मशीन मांगी इंक्लूडिंग सुपर सीडर, किसी को मना नहीं किया, सबको दे दिया।
2500 सुपर सीडर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो कि प्रतिदिन 5000 एकड़ प्राणी का प्रबंधन इन सीटू मैनेजमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। 250 बेलर हमारे पास उपलब्ध हैं। कई बेलर तो ऐसे एक दिन में 100 एकड़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, 2 दिन का वेटिंग पीरियड है, उसमें दें, सभी का सहयोग करें, क्योंकि पर्यावरण में हम सब ग्रसित है, ये पर्यावरण दूषित होता है, सब ग्रसित है। तो किसानों की रेड एंट्री जो की जाती है, चेतावनी? हाँ, देखिए, ये हम नहीं चाहते किसी की रेड एंट्री हो, फिर भी जाने अनजाने में कोई टेनेंट फार्मर्स है, कुछ है, यदि वो जला रहा है तो सरकार के आदेश अनुसार हमने उसकी रेड एंट्री की है, ताकि हम उसको कह सकें कि आपके फार्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री हो गया और आगे सीजन में आपके MSP पर हम फसल की खरीद नहीं करेंगे। तो ये निगरानी कैसे की जाती है, कैसे रख पाते हैं, क्योंकि किसानों को ये रहता है कोई देखने वाला नहीं है? देखिए, एक सैटेलाइट है ऊपर, बिल्कुल दिन में 4 राउंड लगाती है, पूरे दिन में जहाँ भी प्राणी जड़ी होती है, टेम्परेचर राइज होता है, उसको कैच कर लेती है और उस लोकेशन को भेजती है। हमारी पूरी टीम, पूरी ब्लॉक लेवल की टीम, विलेज लेवल की टीम वहाँ उन लोकेशन पर जाती है, जाकर उसको ट्रेस करती है और उस किसान को फाइन लगाती है। अब तो FIR करने के भी आदेश हुए हैं कि अगर नहीं कोई मान रहा है तो उस केस भी दर्ज किया जाए। तो ऐसे कुछ हुए हैं मुकदमे दर्ज? हाँ, अभी हमने लिख के दिए हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, तो प्रोसेस में। जी, थैंक यू।